अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे केरल के कासरगोड जिले में एक अनोखी शादी देखी गई, जहां लगभग 29 साल से विवाहित एक जोड़े ने अपनी तीन बेटियों की खातिर फिर से अपना विवाह किया। होसदुर्ग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई शादी में उनकी तीन लड़कियों के अलावा उनके परिवार के सदस्य और दोस्त भी मौजूद थे। केरल के कासरगोड जिला में इस मुस्लिम जोड़े ने अपनी तीन बेटियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम SMA के तहत दोबारा शादी की है और ये समारोह उसी शादी के लिए आयोजित किया गया। एडवोकेट और अभिनेता सी शुक्कुर को कुंचाको बोबन अभिनीत फिल्म ननाथान केसुकोडू सुमी देन में एक वकील के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वहीं उनकी पत्नी शीना महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की पूर्व प्रो वाइस चांसलर रही हैं। दोनों ने ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर SMA कानून के तहत दोबारा शादी की, ताकि उनकी पूरी कमाई और विरासत केवल उनकी बेटियों को ही मिले। श्री शुक्कुर और शीना की शादी अक्टूबर 1994 में शरिया कानून के तहत हुई थी। उनकी तीन बेटियां हैं। माना जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति का केवल 2/3 हिस्सा मिलता है, बाकी हिस्सा उनके भाइयों के पास जाता है। शुक्र और शीना चाहते हैं कि उनकी विरासत में केवल उनकी बेटियों का अधिकार हो, इसीलिए SMA के तहत उन्होंने दोबारा शादी करने का निर्णय लिया। इसके जरिए इस दंपति ने समाज को एक संदेश भी देने का प्रयास किया है। हमने एक प्रथागत विवाह और जीवन यापन किया, ये समाज को संदेश देने के लिए है, ये हमारे बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए है। बाकी सभी कैटेगरीज में लड़कियों को पूरा हक मिल रहा है, ये लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए एक कदम है, इसलिए हमने इस खास दिन का चयन किया है। हम खुश हैं और हमारे बच्चे भी खुश हैं। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा संपत्ति के बारे में रोने का कोई मतलब नहीं है, यही एकमात्र संभावना है। यदि भारतीय विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जाता है तो भारतीय परिग्रहण अधिनियम लागू होगा। दूसरा तरीका वसीयत नामा लिखना है। यह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हमारे विवाह का पंजीकरण है, यह समाज के लिए एक संदेश है। ऐसे मुस्लिम लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिनके माता पिता की केवल बेटियां होती है। हमारा उद्देश्य केवल लड़कियों वाले मुस्लिम परिवारों की लड़कियों को समाज में समान सामाजिक और संपत्ति विरासत का दर्जा दिलाना है। श्री शुक्र और शीना की दोबारा शादी से उनकी बेटियां और परिवार के लोग काफी खुश नजर आए। हम अपने माता पिता से बहुत खुश हैं। ये हमारे माता पिता की ओर से हमारे समाज में बदलाव का पहला कदम है। कई लोग अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। एक परिवार के तौर पर हम बहुत खुश हैं। कई पश्चिमी देशों में और कुछ जातियों में जोड़े अक्सर अपनी वैवाहिक जीवन के कुछ साल पूरे होने के बाद अपने जीवन साथी से दोबारा शादी करते हैं, लेकिन इस जोड़े ने मुस्लिम विरासत कानूनों की कुछ शर्तों की वजह से अपनी शादी को फिर से रजिस्टर कराने के लिए दोबारा शादी करने का निर्णय लिया, जो बदलते समाज का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।